दिव्यतेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनि सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। घर आए अतिथि का स्वागत करना तो हमारा धर्म है, इसलिए है नंदनी आप हमारी मर्यादा रखें और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। नंदिनी की सहायता से उन्होंने विश्वामित्र और उनकी संपूर्ण सेना का उचित स्वागत किया है। कहां से आई ऐसी भोज्य सामग्री? अब तुम्हें अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। आज से हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है और वो है तुम्हारा सर्वनाश। गुरुदेव आपने इतना क्रोध किया था कि आपने गुरुदेव वशिष्ठ का सर्वनाश करने का ठान लिया था? राम, वो क्रोध अकारण नहीं था, वो क्रोध एक राजा के वर्चस्व का था, वो क्रोध एक राजा के अस्तित्व का था। महर्षि वशिष्ठ जी ने एक राजा को चुनौती दी थी। गुरुदेव ये तो दो शक्तियों की रोचक कथा है, और इसके बाद क्या हुआ था? उसके पश्चात हमने अपने 100 पुत्रों को महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण के लिए भेजा, परंतु हमारे सभी पुत्र महर्षि वशिष्ठ के श्राप से भस्म हो गए। और जब मुझे ये सूचना मिली, उसी क्षण मुझे महर्षि वशिष्ठ की ब्रह्म शक्ति के बारे में ज्ञान हुआ। मैं गंभीरता से इस पर विचार करने लगा और तभी मैंने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी तपस्या से इस ब्रह्म शक्ति को प्राप्त करके रहूंगा। मैंने अपना राजपाट सब त्याग दिया और हिमालय पर्वत पर जाकर शिव की तपस्या में लीन हो गया। ओम नमः शिवाय। और उसी दिन से मैं शिव का साधक बन गया था। गुरुदेव तो क्या ये पूरा आयोजन महादेव का ही था? हाँ राम, महादेव की इच्छा के बिना इस संसार में कुछ नहीं होता। और फिर यहां तो उनका एक विशेष उद्देश्य था। गुरुदेव ऐसा कौन सा विशेष उद्देश्य था जिसके लिए आपको अपना राजपद छोड़ना पड़ा? लक्ष्मण, महर्षि के रूप में मैं जो कुछ कर सकता था
वो एक राजा के रूप में कभी नहीं कर सकता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र कब तक आपकी साधना करते रहेंगे स्वामी? हम चाहते हैं देवी कि विश्वामित्र इसी तरह आजीवन साधना करते रहें। पर ऐसा क्यों चाहते हैं आप? देवी, विश्वामित्र एक शक्ति संपन्न नरेश है, वह शस्त्र बल के महाज्ञाता है। यदि वह शास्त्र बल का ज्ञान भी प्राप्त कर ले तो वह असीम शक्ति के स्वामी होंगे और श्री हरि के अवतार दशरथ नंदन के गुरु होने का योग्यता प्राप्त कर लेंगे। किंतु गाधी पुत्र विश्वामित्र तो वशिष्ठ से प्रतिशोध लेना चाहते हैं ना स्वामी? प्रतिशोध की यही भावना उन्हें ब्रह्म ऋषि के पद पर प्रतिष्ठित करेगी देवी। तो क्या आपका वरदान उन्हें नहीं प्राप्त होगा स्वामी? अवश्य प्राप्त होगा देवी, किंतु हमारे वरदान से उनकी समस्या का समाधान कदापि नहीं होगा। संकट मोचन जय हनुमान। तो ये स्पष्ट जान लें कि ब्रह्म बल से बड़ी संसार की कोई शक्ति नहीं है। संकट मोचन जय हनुमान। तुम्हारी भक्ति भाव से हम प्रसन्न हुए गाधी पुत्र विश्वामित्र। महादेव, महादेव कहाँ हैं आप? कहाँ हैं आप महादेव? तुम जहां ढूंढोगे हम वहीं मिलेंगे विश्वामित्र। हमें अपने मन की आंखों से देखो विश्वामित्र। क्या चाहते हो विश्वामित्र? शक्ति। इस संसार में अस्त्र और शस्त्र की जितनी भी रहस्यमयी मायावी शक्तियां हैं, हे महादेव, उन समस्त शक्तियों का वरदान आप मुझे प्रदान करें महादेव। तथास्तु। अब तुम्हें अपनी शक्ति का ज्ञान होगा महर्षि वशिष्ठ। अब मैं भी शक्ति संपन्न हो गया हूं। अपनी अल्प शक्ति पर अभिमान करने वाले महर्षि वशिष्ठ, यदि तुझ में शक्ति है तो सामना करो मेरा। देखो, आज मैं सेना के साथ नहीं, अकेले आया हूं। सामना करो महर्षि। स्वामी, आंखें खुलिए स्वामी और देखिए, विश्वामित्र आप पे शस्त्र का प्रयोग करने वाले हैं। आंखें खोलिए।
वो आपको चुनौती दे रहे हैं स्वामी। तुम अपनी अपनी कुटी में जाओ शिष्यों। अरुंधति अब तुम भी जाओ। मैं राजा विश्वामित्र के लिए अकेले ही पर्याप्त हूं। प्रहार कीजिए राजन, मुझ पर प्रहार कीजिए। रुक क्यों गए राजन, प्रहार कीजिए। हमें आपसे कोई शत्रुता नहीं है राजन। यदि आप शक्ति परीक्षण करना चाहते हैं तो ये स्पष्ट जान लें कि ब्रह्म बल से बड़ी संसार की कोई शक्ति नहीं है। विश्वामित्र की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है मेनका। आपका आदेश सिरोधार्य है देव। संकट मोचन जय हनुमान। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मणे नमः। ओम 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 ब्रह्मणे नमः। ॐ 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 ब्रह्मणे नमः। देवराज इंद्र की जय हो। मेनका आपकी सेवा में उपस्थित है देवराज जी। गाधी पुत्र विश्वामित्र को जानती हो क्या? आप कान्यकुंज प्रदेश के स्वामी के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं? तुमने ठीक समझा। चतुरानंद की कृपा से विश्वामित्र ने महर्षि का पद प्राप्त किया है, परंतु वह इतने से संतुष्ट नहीं है। अब वह ब्रह्मऋषि पद प्राप्त करना चाहते हैं, इसीलिए दिन रात तपस्या कर रहे हैं। किंतु इसमें मुझे क्या करना है देव? विश्वामित्र की महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई है मेनका। वो ब्रह्मा को प्रसन्न करके
इंद्रलोक की सत्ता का सुख पाना चाहते हैं, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि इंद्रासन पर केवल और केवल हमारा अधिकार है। इसके लिए मेनका क्या कर सकती है देव? मेनका उनकी तपस्या भंग कर सकती है, उन्हें दिग्भ्रमित कर सकती है, उन्हें तप से विचलित कर सकती है। आपका आदेश शिरोधार्य है देव। जाओ मेनका, हमें तुम्हारी सफलता की सूचना की प्रतीक्षा है। जो आज्ञा देव। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 ओम ब्रह्मणे। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ओम ब्रह्मणे नमः। आप कौन है देवी और इस वन प्रदेश में आपका आगमन कैसे हुआ है? मैं स्वर्गलोक की अप्सरा मेनका हूं महर्षि। इस पृथ्वी लोक पर विहार करने आई हूं, किंतु आपको देखकर तो मैं सब कुछ भूल गई। इतना रूपवान, इतना तेजस्वी पुरुष तो हमने आज तक देवलोक में भी नहीं देखा। पता नहीं क्यों आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप मेरे हैं और मैं आपकी। हे महर्षि, ये मेनका आपसे प्रणय निवेदन करती है कि इसका सर्वस्व आपको समर्पित है। किंतु मैं एक विशेष उद्देश्य से साधना कर रहा हूं देवी। ऋषिवर, मैं आपकी साधना में बाधा नहीं बनना चाहती, किंतु मैं स्वयं को कैसे समझाऊं? देवी, मैंने राजपद का त्याग किया है, सत्ता सुख की तिलांजलि दी है, संसार के सभी मोह बंधनों को त्याग कर मैं इस एकांत वन में साधना कर रहा हूं। ऐसे में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? ऋषिवर, मैंने
इंद्र लोक के वैभव का त्याग किया है और उसका कारण आप हैं। प्रथम दृष्टि में ही आप मेरे हो गए हैं। अब आप मुझे अपनाएं या ठुकरा दें, आपकी इच्छा। किंतु मैं इतना कह देना चाहती हूं कि अब आपके बिना मेरा जीवन असंभव है। यदि आपने मुझे नहीं अपनाया तो मैं आप ही के चरणों में अपने प्राण त्याग दूंगी, 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 प्राण त्याग अधिकारियों का पद तारका के हाथों होगा। जय हनुमान, जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। Day.